गाइज आज का जो ये पूरा ब्लॉग होने वाला है वो जगन्नाथपुर टेम्पल पे होने वाला, जो कि काफ़ी पुराना है, आज से 329 साल पहले। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो हूँ वो जगन्नाथपुर टेम्पल जाने वाली हूँ। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये JSCA इंटरनेशनल स्टेडियम है। यहाँ तक पहुँचने के लिए कई सारे बस ऑटो अवेलेबल होते हैं एंड आप अपने व्हीकल से भी जा सकते हो। जगन्नाथ मंदिर जो है वो रांची के मेन टाउन से 10 किलोमीटर की दूरी पे है और रांची रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर एंड एयरपोर्ट से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। एंड आप अगर ध्रुवा बस स्टैंड से जाते हो तो आप अराउंड 5 to 10 मिनट्स आपको लगते हैं मंदिर तक जाने के लिए। अब तो ये भी फैसिलिटी अवेलेबल है कि आप अपने व्हीकल को डायरेक्ट मंदिर तक लेके जा सकते हो। पार्किंग एरिया में आपको सीढ़ी चढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होती है। गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एग्जॉटिक मनीषा। गाइज आज का जो ये पूरा ब्लॉग होने वाला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं आ गई हूँ जगन्नाथपुरी टेम्पल, जो कि रांची का सबसे फेमस टेम्पल है। यहाँ पे जो भी आते हैं रांची विजिट करने वो ये टेम्पल तो ज़रूर आते हैं। यहाँ पे अगर आप मॉर्निंग में आते हो, इवनिंग में आते हो, दोपहर में आते हो, यहाँ का व्यू काफ़ी ऑसम होता है, जो कि मैं आपको दिखाने वाली हूँ। आप वीडियो को इन तक देखिएगा क्योंकि मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाने वाली हूँ एंड लास्ट में मेरा फोटोशूट तो ज़रूर रहता है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना एंड मुझे आप इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हो। लेट्स गो। ये जो आप रथ देख रहे हो, इसी पे बैठकर भगवान रथ यात्रा के दौरान मौसी बारी को जाते हैं। जगन्नाथ मंदिर रांची के जगन्नाथपुर धुरवा में स्थित है और इस मंदिर का निर्माण नागवंशी राजा ठाकुर इनीनाथ शाहदेव ने करीब 329 साल पहले 1691 में 1691 में करवाया था। हर वर्ष 25 दिसंबर को मंदिर की स्थापना दिवस के तौर पे मनाया जाता है। मंदिर का निर्माण एक छोटी पहाड़ी पर किया गया है जिसकी ऊंचाई लगभग 85 to 90 मीटर है। यह मंदिर पुरी के जगन्नाथ मंदिर के तर्ज पर बनाया गया है और यहाँ भी पुरी की तरह हर वर्ष भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है, जो मुख्य मंदिर से लेके मौसी बारी तक यात्रा निकाली जाती है और यहाँ 7 दिन तक मेला भी लगता है। मुख्य मंदिर से थोड़ी ही दूर पर एक पहाड़ी पर एक छोटी मंदिर है जिसे हम मौसी बारी के नाम से जानते हैं। और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मंदिर के अंदर भगवान का पिक्चर्स क्लिक करना मना है, इसलिए मैंने कोई पिक्चर नहीं क्लिक किया, लेकिन मंदिर के अंदर का व्यू बहुत ही अच्छा है।
यहाँ से आपको रांची का पूरा व्यू देखने को मिलेगा। और हाँ, ये बहुत ही अच्छा फोटोजेनिक प्लेस है। यहाँ पे आप बहुत अच्छी अच्छी अपनी पिक्चर्स क्लिक करवा सकते हो। ये आप देख सकते हो मंदिर के पीछे पार्किंग एरिया से भी मंदिर का कितना अच्छा व्यू आ रहा है। हाय फ्रेंड्स, आप देख सकते हो यहाँ कितनी शांति है। ये जो प्लेस है ना, ये टेंपल के नीचे पार्किंग एरिया के पास है। यहाँ पे ना बहुत शांति है, सुकून है। यहाँ पे शाम के टाइम स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। मैं तो जब भी यहाँ आती हूँ ना, तो थोड़ी देर यहाँ बैठती हूँ। यहाँ का व्यू देख सकते हो, आप भी देखो यहाँ का व्यू, ये इतना अच्छा है ना, मज़ा आ जाता है एकदम। कभी कभी मैं तो ये बोलूँगी ना, कभी कभी खुद के लिए भी टाइम निकालना चाहिए। यहाँ आओ, बैठो, मस्ती करो, बहुत मज़ा आएगा। करना, लाइक करना, एंड मुझे आप इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो। ओके गाइस, बाय। मैं आपको मिलती हूँ।